वन टू थ्री और स्टार्ट। तो आपने देखा फ्रेंड, जैसे ही मैंने स्टार्ट कहा और इतने में तो आग इसमें लगी चुकी थी। ओ गाइस, इसमें आग लग चुकी है। गाइस आई थिंक आपको आग दिख रही होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थिक है जिसकी वजह से आपको आग नहीं दिख रही होगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आग लग चुकी है। फ्रेंड स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। फ्रेंड एक्सपेरिमेंट करने में तो फ्रेंड हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ्रेंड बचपन में जब भी हमें लेंस या फिर किसी भी तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है तो गाइस हम उसे कोई चीज़ जूम करके तो बाद में देखते थे, लेकिन सबसे पहले फ्रेंड हम उसे पेपर जलाने की कोशिश ज़रूर करते थे। लेकिन गाइस उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कम से कम 1 से 2 मिनट तो किसी भी मैक्सिमम लेंस में लग ही जाता है। मैं नॉर्मल लेंस का बता रहा हूँ, अच्छे लेंस से तो बहुत जल्दी जल जाता है, लेकिन गाइस हमारा हाथ ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता था, जो उसका पॉइंट पर जो फोकस रहता था, जिसकी वजह से पेपर बहुत देरी से जलता था। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम पेपर जलाएंगे 1 सेकंड के अंदर। तो फ्रेंड उसके लिए मैं यूज़ में लूँगा इस चीज़ को। अब आप सोच रहे हो कि गाइस कि ये क्या चीज़ है। तो गाइस ना तो ये किसी तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास है, ना ही किसी तरह का लेंस है। गाइस एक्चुअल में ये है, इसके अंदर जो है हमें हमारे फ़ोन को पीछे इस तरह से रखना रहता है, और इसको इस तरह से हम अपने फ़ोन को रख के फ्रेंड इसको नॉर्मली हम जूम कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से ही दिखता है। गाइस ऑनलाइन भी ये चीज़ मिलती है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये जो चीज़ है, गाइस सबसे पहले तो मैंने इसको अपने हाथ पर ट्राई करके देखा, तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना जूमेबल दिख रहा था इसमें। तो गाइस इससे मैंने लेटर्स पढ़ने की कोशिश करी, तो फिर मेरे अंदर दिमाग में आइडिया आया कि गाइस अगर सूरज के सामने मैं इसको लाऊं तो कितना टाइम इसमें लगेगा। तो गाइस आप भरोसा नहीं मानो कि 1 सेकंड के अंदर इसने अच्छे से अच्छे पेपर को भी इसने जला दिया। तो फ्रेंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने भी घर पर इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करा तो फ्रेंड आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम टाइम और टेम्परेचर देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो टाइम हो रहा है वो अभी 4 बज गए हैं। फ्रेंड टेम्परेचर जो है जो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ्रेंड ये टेम्परेचर पे पेपर जलाने में बहुत ही जल्दी जल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए अब हम पेपर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो गाइज यही वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, और सबसे पहले हम जो है फ्रेंड नॉर्मल A4 साइज पेपर को जला के देखते हैं, फिर हम न्यूज़पेपर को जला के देखेंगे। गाइज मैंने सुना है कि जो वाइट कलर का जो पेपर होता है गाइज वो जो है एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो देखते हैं इसको जलाने में पहले कितना टाइम लगेगा। तो गाइज जो वाइट कलर का पेपर है गाइज उसको जलाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि जो व्हाइट कलर का पेपर होता है वो जो एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसके अंदर होल तो हो चुका है और इसके अंदर से धुआं भी निकल चुका है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो थी वो हमने फास्ट नहीं रखी, वो कंटिन्यूशन में थी, और इतनी जल्दी कम से कम 10 सेकंड के अंदर ही जो है वाइट कलर का पेज के अंदर भी इतना ख़तरनाक होल हो चुका है। तो फ्रेंड चलिए अब हम इसे और अच्छे से जलाने की कोशिश करते हैं। ओ गाइज अभी सच में बहुत तेज जो है वो धूप हो रही है। ओ गाइज जो हमारा हाथ है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से गाइज जो है हमारा ये जो लेंस है ये हिल रहा है। तो गाइज इसमें जो देख सकते हैं आप होल हो चुका है, बट इसमें आग सही से नहीं लग रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर से किस तरह से धुआं निकल रहा है। तो गाइस जो पेपर है उसमें आग नहीं लग रही है, ये सिंपल ही है। तो गाइस चलिए अब हम इसको जो है अब न्यूज़पेपर के ऊपर ट्राई करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हम एक सिंगल पेपर को यूज़ करेंगे, हम एक नॉर्मल सिंगल पेपर लेंगे और देखेंगे ये कितने जल्दी इसके अंदर होल होता है। तो गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, इसके अंदर जो है 1 सेकंड के अंदर ही अंदर होल हो जाता है। तो गाइस अब देखना 1 2 3 और ये, और गाइस देखा आपने टच करते ही जो है वो होल हो गया। अब मैं इसको एक काम करूंगा, इसको पूरा फोल्ड कर लूंगा अच्छी तरह से। अब जो इसके अंदर मैं शॉर्ट लगाऊंगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं जो पेपर है ये तो वाइट पेपर से बहुत जल्दी, और इसने आग भी पकड़ लिया गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इसको जलाने में हमें 15 सेकंड भी नहीं लगे फ्रेंड, और ये पूरी तरह से जल चुका है।
तो गाइस ये तो था एक सिंगल पेपर। अब जो है हम बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स को एक साथ जलाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये जो हमारे मैग्नीफायर ये इसको भी जला सकता है या नहीं। तो गाइस हमने जो है टोटल है 3 से 4 पेपर को एक साथ हमने रख लिया है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये थिक है। अब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस टाइम तब स्टार्ट करेंगे जब इसका फोकल पॉइंट एक ही सेंटर पे हो जाएगा। तो 1 2 3 और स्टार्ट। तो आपने देखा फ्रेंड जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और इतने में तो आग इसमें लगी चुकी थी। तो गाइस देख सकते हैं आप इसमें से किस तरह से धुआं निकल रहा है। और गाइस इसमें आग लग चुकी है। गाइस आई थिंक आपको आग दिख रही होगी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थिक है जिसकी वजह से आपको आग नहीं दिख रही होगी। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आग लग चुकी है। तो गाइस है ना ये चीज़। तो देख सकते हैं गाइस इसके अंदर जो है आग लग चुकी है। तो गाइस एक बार जो है हम तो हमने देखा वो इतने जल्दी जल्दी। अब गाइस हमने जो है बहुत सारे पेपर को इकट्ठा कर दिया और अब हम इसको एक साथ जलाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस चलिए अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तो गाइस फोकस रखते ही जो है इसने होल तो इसमें कर दिया लेकिन आग अभी भी नहीं पकड़ी है। और गाइस OMG तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इतने जल्दी जो है इसने एक साइड तो आग पकड़ ही ली है। तो गाइस एक्सपेरिमेंट हो गया तो हम इसकी आग को बुझा देते हैं। तो गाइस जो आग जो है बुझ चुकी है। तो गाइस अब जो है मैं इसको क्या करूँगा डायरेक्टली यहाँ। अरे वो आग फिर से उसमें लग गई। तो गाइस आप देख सकते हैं इतनी ख़तरनाक इसकी आग लगी कि अभी भी वो बुझाने पर भी नहीं बुझी है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि वो तो राउंड राउंड था लेकिन अब जो मैंने इतने सारे पेपर्स को इकट्ठा कर दिया है अब जो इस पेपर्स को ही मैं जलाने की कोशिश करता हूँ। ओह माय गॉड फ्रेंड लगाते सी तो इसमें होल हो चुका है। बस आग नहीं लगी है। तो गाइस इसमें जो है आग लगने में टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक है इसलिए। और गाइस आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो है आग लग गई थी लेकिन बुझ गई नहीं। फ्रेंड इसके अंदर जो है आग लगी हुई है अभी भी लेकिन बहुत स्लोली वो हमें दिख रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस इतने मोटे को भी उसने कम से कम 1 मिनट के अंदर ही जला दिया। तो गाइस अब हम इसकी जो साइंटिफिक रीज़न के पीछे बात करते हैं। गाइस जो लेंस होता है फ्रेंड वो बहुत कम रेस को वो एब्जॉर्ब करता है जिस कारण वो एक फोकस पे बहुत कम रेस को छोड़ पाता है। एंड गाइस अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर से जो है फ्रेंड बहुत सारी रेस जो आप इसका एरिया देख सकते हैं जिसके कारण बहुत सारी रेस जो है इसके अंदर से पास हो जाती है और सारी रेस एक फोकस पे मिलती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा खतरनाक सिर्फ इतनी सी रेस को अगर हम एक जगह रख दें तो इतनी ख़तरनाक आग लग सकती है लेकिन अगर हम बहुत बड़ा इसको करें तो फ्रेंड आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो गाइस आई थिंक इसका साइंटिफिक रीज़न आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि सभी पॉइंट्स को एक जगह पे सभी रेस जो यहाँ से इंटर होती है उसको एक जगह पे मिलाता है। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें तो आप इसको घर पे ट्राई ज़रूर करें लेकिन हाँ आप इसके आगे अपना हाथ या फिर किसी के सर पे या किसी के ऊपर या फिर किसी को परेशान करने के लिए इस तरह का बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि फ्रेंड ये रहम नहीं करता ये डायरेक्टली आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। तो आई थिंक फ्रेंड आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।